हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश ग्रामर के हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसलिए आज इस सेशन में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का होता है और हर क्वेश्चन टू मार्क्स का होता है अगर आपको पेपर का डिटेल्ड पैटर्न अगर आप पेपर के डिटेल्ड पैटर्न से फेमिलियर नहीं हैं कि किस तरीके का आपका डिटेल्ड पेपर का पैटर्न होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो में हमने पेपर का डिटेल्ड पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है तो क्लास नाइन्थ एज वेल एज क्लास सिक्स का डिटेल पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं जिसमें हमने बताया कि हर पेपर में हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं एज वेल एज़ वो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये सेशन बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट ताकि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो रिगार्डिंग द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रपरेशन कोई नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप किसी भी प्रपरेशन या इन्फॉर्मेशन से पीछे ना रहें इसके साथ ही हमारे चैनल पर एक ऑनगोइंग गोइंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रपरेशन सीरीज़ चल रही है ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है तो अगर आप इस सीरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से एक्सेस कर सकते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ वीडियो क्वेश्चन नंबर वन इज़ कैंडिडेट्स मस्ट डैश द जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशन ऑप्शन आर ए डू बी प्रिपेयर सी सेटिस्फाई, डी क्रिएट वंस अगेन लेट्स लुक टू द क्वेश्चन कैंडिडेट्स मस्ट ब्लैंक द जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशन तो इन चार प्रोवाइडेड ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है दैट विल इन द ब्लैंक तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सेटिस्फाई सेटिस्फाई वर्ड इस ब्लैंक में प्लेस्ड होगा ये स्टेटमेंट बन जाएगा कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशंस कैंडिडेट्स को जनरल कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ एडमिशन कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई द जनरल कंडीशंस फ़ॉर एडमिशन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर टू ही रिसोर्ट्स डैश शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग ऑप्शन आर ए एट बी टू सी इन डी फॉर तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी टू ही रिसोर्ट्स टू प्रैक्टिस ही रिसोर्ट्स टू शार्प हिज प्रैक्टिस इन डीलिंग्स ही रिसोर्ट्स टू शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑप्शंस में जो चार आर्टिकल्स प्रोवाइडेड हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में प्रॉपर आर्टिकल कौन सा आएगा करेक्ट आर्टिकल कौन सा आएगा तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नो आर्टिकल मतलब ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा ऑप्शन बी द सी ए डी एन तो करेक्ट आर्टिकल हमें यहाँ सेलेक्ट करना है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ नो आर्टिकल नो आर्टिकल इस ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल नहीं प्लेस होगा और ये स्टेटमेंट एज इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यहाँ पे कोई भी आर्टिकल करेक्ट नहीं होगा द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी करेक्ट नहीं है अ इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी करेक्ट नहीं है मीन एन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी करेक्ट नहीं है याद रखिए नो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर इस प्लेस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड इंडस्ट्रियस मीन्स द वर्ड इंडस्ट्रीस मीन इंडस्ट्रियस वर्ड का मीनिंग हमको यहाँ बताना है लेट्स लुक फॉर द ऑप्शन ए वर्किंग इन इंडस्ट्री बी लेबर इन फैक्ट्री सी हार्ड वर्किंग डी लेड बैक तो याद रखिए द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियज इज़ सी हार्डवर्किंग हार्ड वर्किंग तो कोई भी अगर पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग हो तो उसको हम कह सकते हैं दैट द पर्सन इज इंडस्ट्रियस द पर्सन इज इंडस्ट्रियस फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना हो दैट द गार्डनर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन तो उसकी प्लेस में हम कह सकते हैं दैट द गार्डनर इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियस मैन तो याद रखिए इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्क ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर hard working is the correct answer moving to the next question choose the correct order to make the sentence below meaningful तो ये नीचे आपको कुछ वर्ड्स प्रोवाइडेड हैं इनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में सेलेक्ट करना है सो so दैट जो सेंटेंस है आपका वो मीनिंगफुल बने ऑर्डर आपको ऑप्शंस में प्रोवाइडेड हैं तो वर्ड्स देख लेते हैं फर्स्ट वर्ड इज़ वेयर सेकंड बीस थर्ड पीपल फोर्थ ऑलमोस्ट फाइव ए सिक्स मेजॉरिटी सेवन ऑफ एट डेज नाइन अ वॉच तो जब इन वर्ड्स को हम करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑर्नसर बन के आएगा और ये स्टेटमेंट आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर अ वॉच दीज डेज ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेयर अ वॉच दीज डेज मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग मेजोरिटी ऑफ लोग इन दिनों वॉच पहनते हैं ऑलमोस्ट अ मेजोरिटी ऑफ पीपल वेअर और वॉच दीज डेज तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज़ वेरी सिंपल तो ऑप्शनस में नंबर प्रोवाइडेड है उन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप इन वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं और करके देख सकते हैं जो सेंटेंस आपको मोस्ट मीनिंगफुल लगेगा वही यूजुअली करेक्ट आंसर होता है अपार्ट फ्रॉम दिस आप डायरेक्टली भी इन वर्ड्स को देख सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं अरेंज करने का और बहुत क्विकली आप इसके करेक्ट आंसर पर पहुँच जाएंगे इसके साथ ही द की टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चनस कि आप ऐसे क्वेश्चन मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें जितने ज़्यादा आप ऐसे जंबल सेंटेंसेज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे तो याद रखिए ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो हम ऐसे क्वेश्चंस की भी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे एक सेशन में आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो बट द की टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आप इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें द मोर एंड मोर प्रैक्टिस ओनली देन आप इनको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट अ वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मोर ऑप्शन ए रिकरेंट ऑप्शन बी ट्रेवियल ऑप्शन सी फेटल एंड डी इटर्नल तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि Mortal वर्ड के मीनिंग कौन सा वर्ड क्लोजेस्ट है ये हमें सिलेक्ट करना है अगेन ये एक सिनोनिम टाइप ऑफ क्वेश्चन है एंटोनम synonyms एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का तो ये एक सिनोनिम पार्ट ऑफ क्वेश्चन है सिनोनिम के पार्ट से क्वेश्चन है तो करेक्ट वर्ड हमको उसमें से चूज करना है जिसका मीनिंग मॉटल वर्ड के क्लोजेस्ट हो रखिए मॉटल वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर और दैट हैज़ टू डाई ऐसी सभी चीज़ों को हम मॉर्टल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल नार नॉ फर्स्ट इज इमोर्टल मतलब हम सभी ह्यूमन बींग्स मॉर्टल हैं हम सभी ह्यूमन बींग्स की एक ना एक दिन डेथ होनी है वी आर नॉट इमोर्टल ओके तो वर्ड अब हमको सेलेक्ट करना है जिसका मीनिंग वेरी सिमिलर हो द वर्ड मॉर्टल के तो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी फेटल फेटल इज़ द वर्ड जिसका मीनिंग इंटायरली सिमिलर है आपका प्रोवाइडेड वर्ड मॉर्टल के अगर फेटल वर्ड का मीनिंग देखें तो फेटल का मीनिंग होता है काजिंग और एंडिंग इन डेथ कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ अगर मोर इजी वर्ड्स में हिंदी में हम इसे कहें कोई भी चीज़ अगर जानलेवा या घातक होती है तो हम उसे फेटल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अ फेटल इंसिडेंट अ फेटल डिजीज़ कोई जानलेवा एक्सीडेंट या कोई जानलेवा डिजीज ऑल सच थिंग्स आर नोन एज फेटल तो याद रखिए फेटल इज द करेक्ट ऑप्शन वर्ड फेटल हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द प्रोवाइडेड वर्ड मॉर्टल तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इस क्वेश्चन में तो फोर प्रोवाइडेड ऑप्शन हैं उनमें एक ही वर्ड दिया हुआ है मेंटेनेंस बट डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ दिया हुआ है तो so, हमें देखना है कि विच वर्ड हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग किस प्रोवाइडेड मेंटेनेंस की स्पेलिंग करेक्ट है और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए सेज मेंटेनेंस एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई ऑप्शन बी मेंटेनेंस एम ए आई एन टी ई एन एन ए एन सी ई ऑप्शन सी मेंटेनेंस एम ए आई एन टी ए एन ए एन सी ऑप्शन डी एम ए आई एन टी ए आई एन ए एन सी ई करेक्ट ऑप्शन याद रखिए इसका है द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द करेक्ट स्पेलिंग मेंटेनेंस फॉर मेंटेनेंस इज एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई मेंटेनेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्पेलिंग अगे ध्यान से एक बार देखिए एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई मेंटेनेंस तो फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए मेंटेनेंस इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर एट

ए प्ले बी प्लेड सी प्लेस डी नानवदीस तो ये तीनों ही वर्ब्स के फॉर्म हैं तो हमें करेक्ट वर्ब सेलेक्ट करना है कि कौन सा है ऑप्शन डी हमारे पास नानअदीज है तो हम थ्री ऑप्शन में से देखते हैं कि इफ दे आर करेक्ट और नॉट करेक्ट ऑप्शन करेक्ट वर्ब इसके लिए आएगा ऑप्शन ए प्ले ऑप्शन ए प्ले द कोच एंड सिस्टर दैट रोनाल्डो प्ले द सेंटर पोजिशन इवन दो ही इज़ टू शॉर्ट फॉर दैट पोजिशन The coach insisted that Ronaldo play the center position even though he's too short for that position. Alright, the correct form of verb is option A play. Play is the correct answer. Moving to the next question Dash King of Scotland saw a dash spider trying to climb up a dash ceiling of the cave. तो ये भी फ़िल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन है वंस अगेन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन में आपको मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो होंगे फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन तो अगर ऐसे क्वेश्चन की क्वांटिटी आपको पेपर में ज़्यादा देखने मिलती है तो ज़्यादा स्कैड होने की या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है बी प्रिपेयर्ड फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमको थ्री ब्लैंक्स प्रोवाइडेड हैं तीनों ही ब्लैंक्स में आर्टिकल्स आएंगे और ये आर्टिकल्स हमें प्रोवाइडेड फोर ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं लुक एट द ऑप्शन ऑप्शन ए द ए द मतलब फर्स्ट ब्लैंक में द आएगा सेकेंड ब्लैंक में ए एंड थर्ड ब्लैंक में द ऑप्शन सी ए ए द ऑप्शन सी नो आर्टिकल ए नो आर्टिकल ऑप्शन डी द ए नो आर्टिकल तब हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है तो अगर हम ऑप्शन डी को लेते हैं तो स्टेटमेंट विल बी लाइक द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू कैच अप टू सीलिंग ऑफ द केव तो सिंस सीलिंग और टू के बीच में ब्लैंक में दैट इज थर्ड ब्लैंक यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है सो so ये जो है स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो रहा है इससे ई ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ब्लैंक में कोई आर्टिकल प्लेस नहीं होगा मीनवाइल थर्ड ब्लैंक में भी कोई आर्टिकल प्लेस नहीं होगा तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब द सीलिंग ऑफ द केव अगेन ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं तीनों पोजिशन्स पे लेट्स लुक फॉर द ऑप्शन बी अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप दीलिंग ऑफ द केव ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट में हमारा किंग जब आपका वर्ड है तो किंग के साथ ए आर्टिकल नहीं आएगा तो बचा हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है एंड द स्टेटमेंट विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अब द सीलंग ऑफ द केव द ए द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब सीलिंग ऑफ द केव तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर नाइन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राजू रिलिश नॉट ओनली चाइनीज डैश कॉन्टिनेंटल फूड अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस इस क्वेश्चन में अगेन हमें कंजंक्शन सिलेक्ट करना है वंस अगेन फिल्म द ब्लेंक काइंड ऑफ क्वेश्चन कंजंक्शन हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन आर ए ऑल्सो बी बट सी बट ऑल्सो डी राधो तो करेक्ट कंजंक्शन हमें देखना है कि ब्लैंक में कौन सा आएगा क्वेश्चन इज राजू रिलेश नॉट ओनली चाइनीज डैश कॉन्टिनेंटल फूड तो इन चारों कंजंक्शंस में से देखिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी राजू रिलिशियस नॉट ओनली चाइनीज बट ऑल्सो कॉन्टिनेंटल फूड राजू रिलिशियस नॉट ओनली चाइनीज बट ऑल्सो कॉन्टिनेंटल फूड तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है बट ऑल्सो ऑप्शन सी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट यूज अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर ए अफ बी अ लिटल सी अ लॉट ऑफ डी नॉन ऑफ दिज तो इसमें ब्लैंक में इस क्वेश्चन में हमें डिटमाइनर अप्रोप्रिएट जो मोस्ट सुटेबल डिटामाइनर है वो वहाँ पर प्लेस करना है क्वेश्चन हमें कह रहा है यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट दैट मीन्स तुम्हें रोज़ डैश इंग्लिश सीखनी चाहिए टू इम्प्रूव इट तो डैश में हमें बताना है कि कौन सा डिटरमाइनर आएगा ऑप्शन आर फ्यू अ लिटल अ लॉट एंड नान ऑफ दिज करेक्ट so, आंसर आएगा हमारा बी अ लिटिल यू मस्ट लर्न अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट यू मस्ट लर्न अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट तो याद रखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अ लिटिल अ लिटिल डिटरमाइनर आएगा आपका इस ब्लैंक में एंड आपका स्टेटमेंट बन जाएगा यू मस्ट लर्न अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन शी प्लेज बेटर देन डैश डू चूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउन अब इस क्वेश्चन में आपको प्रोनाउन सेलेक्ट करना है ऑप्शनज आर ए आई बी माई सी मे डी माई सेल्फ तो करेक्ट प्रोनाउन आएगा आपका ए आई शी प्लेज बेटर देन आई डू शी प्लेज बेटर देन आई डू नेक्स्ट क्वेश्चन आई डैश इन अ स्कूल इन डेली सिंस ट्वेंटी सेवनटीन चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस ना ये क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म आपको टेंस का सिलेक्ट करना है जो कि इस ब्लैंक की पोजिशन में आएगा ऑप्शन आर ए स्टडिड बी हैव बीन स्टडिंग सी हैव बीन विल स्टडी करेक्ट आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन सी आई हैव बीन स्टडिंग इन अ स्कूल इन डेली टू थाउजेंड एंड सेवनटीन आई हैव बीन स्टडिंग इन अ स्कूल इन डेली टू थाउजेंड एंड सेवनटीन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा

गलिएबल गलिएबल वर्ड का हमें अपोजिट मीनिंग देखना है प्रोवाइडेड फोर ऑप्शन में से अगेन एंटेनम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन तो ऑप्शन ए इज ट्रस्टिंग बी सिनिकल सी क्लेवो डी रिसोर्सफुल तो गलिएबल का अपोजिट मीनिंग याद रखिए है सिनिकल का मीनिंग होता है बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग इन पर्सन टू इजिली कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पे भी बहुत ईजीली बिलीव कर लेता हो ट्रस्ट कर लेता हो और उसी चीज़ के कारण अपनी इसी हैबिट के कारण वो बहुत ईजिली ट्रिक्ड हो जाता हो लोग उसे धोखा दे देते हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे पर्सन को हम गलेबिल कहते हैं गलेबिल ओके अ पर्सन हु बिलीव्स एंड ट्रस्ट पीपल टू इजिली एंड हेंस गेट्स ट्रिक्ड एवरी टाइम सच अ पर्सन इज नोन एज गलेबिल और गलेबल का वर्ड जो अपोजिट मीनिंग का होता है वो है सिनिकल 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 मीनिंग होता है कोई ऐसा पर्सन जो हर व्यक्ति को हर इंसान को स्वार्थी समझे वो किसी पे ट्रस्ट ना करे इन जनरल तो ऐसे पर्सन को हम सिनिकल कहते हैं इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे एंड होता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने एंटोनम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट की है डिमांड की है इनका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और सेकेंड वीडियो इन प्रेपरेशन स्टेज में है वो कुछ ही दिनों में चैनल पे रिलीज हो जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं इसके साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रिक्वायर्ड हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो तो उनको आप कमेंट सेक्शन में, में मेंशन कर सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही एक सेशन में हम मिल उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले सभी वीडियो से कनेक्टेड रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कमेंट और अगर कोई और इस्पायरेंट हो तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द नॉलेज बेल थैंक यू